और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के करीब 8 महीने से जारी जंग में दोनों देश को कितना ज्यादा नुकसान अब तक हो चुका है। देखिए ये ग्राफिक नंबर है, दोनों देश के सैनिकों की अगर बात करें तो यूक्रेन के 10,000 से जो ज्यादा सैनिक हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं, वहीं रूस की अगर बात करें तो 63,000 से ज्यादा सैनिक अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें यूक्रेन की तो 318 और रूस के 268 फाइटर प्लेन्स इस जंग में तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के 160 और रूस के 235 हेलीकॉप्टर्स इस युद्ध में बर्बाद हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, ड्रोन की अगर बात करें तो यूक्रेन के 2,000 से ज्यादा और रूस के 1,100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। वैसे ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो यूक्रेन के 379 और रूस के 181 सिस्टम अब तक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के टैंक और सेना की 5,639 गाड़ियां और रूस की 7,666 टैंक और सेना की गाड़ियां अब तक इस युद्ध में बर्बाद और तबाह हो चुकी हैं। रूस ने यूक्रेन के करीब 870 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को मार गिराया है। और साथ ही आपको बता दें यूक्रेन के रूस के 353 रॉकेट लॉन्चर को अब तक नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही तोप और मोर्चार की अगर बात करें तो करीब 3500 यूक्रेन और 1500 रूस से तबाह हुए हैं। ऑटोमेटिक हथियार की अगर बात करें तो यूक्रेन के करीब 6500 तो साथ ही रूस के करीब 4000 ऑटोमेटिक हथियार अब तक बर्बाद किए जा चुके हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बता दिया क्योंकि नुकसान दोनों ही देशों का हो रहा है इस युद्ध में। पूरा यूक्रेन बारूद के ढेर पर इस वक्त है और रूस के किलर मिसाइल से लेकर के जंगी जहाज और जितने भी सुसाइडल ड्रोन तक फुल ऑन एक्शन मोड में है। इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे खौफ का दायरा और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तीसरे विश्व युद्ध के एटमी चैप्टर की डेट कैसे डिक्लेयर हो चुकी है, पुतिन और बाइडेन कैसे अपनी अपनी एटॉमिक स्ट्रेटेजी पर प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। का परमाणु बवाल, बाइडेन की तैयारी फुटबॉल। पुतिन बारूदी रिमोट दबाएंगे, बाइडेन बिस्किट से तबाही लाएंगे। विश्व युद्ध का एटीएम चैप्टर WW3 की डेट डिक्लेयर। बस तेवर देखिए, माहौल पहचानिए, रणनीति जानिए, हलचल समझिए, तो तस्वीर खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएगी। एक तरफ पुतिन हमले पर हमले करके यूक्रेन को मटियामेट करने पर तुले हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी और नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को हर तरीके से मदद देकर काउंटर अटैक की तैयारी में जुटे हैं।